अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे आप सब। और मैं एक दूसरा ब्लॉग और बनाने जा रहा हूँ। देखो, पब्लिक आना शुरू हो चुकी है गार्डन के अंदर। ये कंक्रीट का एरोप्लेन है। ये बच्चे इससे इस पर खुश हो जाते हैं बस बच्चे। और छोटा गार्डन बनाया हुआ इधर, देखो मैं आपको रोड की साइड लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ। देखो वो सामने कब्रिस्तान मस्जिद है, ये कब्रिस्तान मस्जिद है। और ये इधर पुलिस चौकी है सामने, ये देखो ये जू रोड है, जू जू पे जू चौपाटी पे जाता है ये रोड। ये 5 बजे खुलता है और 8:30-9 बजे बंद हो जाता है। और ये फातिमा भी बार बार तंग कर रही है आके। एक पानी की बोतल दिलाया था इनको तो ये मेरे हाथ पे दे रहे ले बार बार। ये देखो कितना साफ सुथरा एकदम ग्राउंड है ये। एकदम क्लीन है, एक कचरा भी नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे। ये जू गार्डन में मेरा आने का बहुत दिन से इरादा था, आज मैं आ गया। देखो कितना खूबसूरत बनाया हुआ ये, पब्लिक के बैठने के लिए और हर चीज़ बनाई हुई है। ये गार्डन है, ये गार्डन बनाया हुआ है बैठने उठने के लिए। ये बेंचेस है, ये बाजू में पुलिस क्वार्टर्स है। ये 5 से 8 या 9 तक रहता है चालू। ये इसका टाइमिंग क्या है क्लोज होने का? 8:30-8:30। हाँ, 5 से 8:30 तक रहता है। ये बच्चे लोग भी इधर बैठे हुए हैं। क्या है बेटा? प्रथम। प्रथम बेटा आपका है? लोकेश बेटा था। उज्जवल सूजल। ये बच्चे लोग हैं, किधर? इधर बाजू में रहते हैं। दौलत नगर। अच्छा, तो ये भी दौलत नगर में रहते हैं, मैं भी दौलत नगर में रहता हूँ। किधर रहते हैं? तीन नंबर। ये भी 3 नंबर में रहते हैं, मैं ग्रीन पार्क में रहता हूँ। मतलब अपने मोहल्ले के बच्चे ही है। मेरा ब्लॉग देखना रात को। तो बहुत दिन से सोचा था कि ये ब्लॉग इधर का ब्लॉग आके बनाऊँ, तो आज बच्चे लोग को लेके आ गया। और यहाँ पे आए तो अपने मोहल्ले के ही बच्चे मिल गए। देखो एकदम क्लीन है। ये बाजू में मस्जिद है, कब्रिस्तान मस्जिद, उसके सामने पुलिस चौकी है और उसके पीछे ये कैथोलिक लोग का कब्रिस्तान है, क्रिश्चियन लोग का। और ये बालकनजी बारी स्कूल है और उसके पीछे पौधार का ग्राउंड है। तो अभी काम रियलमी से चला रहा हूँ मैं, मेरे मोबाइल से। अभी यूट्यूब थोड़ा ध्यान दो हमारे पे, मैंने एक स्टेप पार कर चुका हूँ। अभी वॉचिंग आवर है, मेरा वीडियो आगे भगाओ आप लोग तो कुछ बात बनेगी, नहीं तो मैं ये मोबाइल से कब तक करता रहूँगा और मोबाइल भी कब तक साथ देगा। यूट्यूब रिक्वेस्ट है आपसे, आप मेरे मोबाइल को आगे मेरे वीडियो को आगे चलाओ। अभी मैं फिर जाता हूँ अपने उधर बच्चों के पास। देखो चारों बाजू पब्लिक है, कई वॉक कर रहे, कई बैठे, कई सीनियर सिटीजन है वो भी बैठे हैं, कई बच्चे खेल रहे हैं। वो इधर फायजा खेल रही है और इधर फातिमा खेल रही है। वो मैं अपनी पानी की बोतल रख के आया था उधर, वो ले लेता हूँ।
वो उधर, ये रही मेरी पानी की बॉटल, ये देखो बच्चे खेल रहे इधर, ये मेरी पानी की बॉटल भाई, ये 20 रुपये की आती है तो इसको भूल नहीं सकते, और ये इधर आजू बाजू मिलती भी नहीं है। अभी पब्लिक आना शुरू हो चुकी है यहाँ पे, क्योंकि 6 बजने वाले हैं। अभी कल देखता हूँ मैं इंशाल्लाह कार्टर रोड जाऊँगा, वहाँ पे माँ का एक ब्लॉग बनाऊँगा। ये प्लेन के नीचे मैं आ गया, ये देखो ये प्लेन के टायर है, ये प्लेन के टायर है, ये देखो ये प्लेन के टायर है। मैं प्लेन आपको पूरा यहाँ से बताता हूँ, ये देखो ये प्लेन है, आरसीसी प्लेन है, ये टायर देखो प्लेन के टायर, ये पायलट की सीट है, ये पायलट का हिस्सा आगे का, ये देखो ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। अभी मैं ये ब्लॉग बंद करता हूँ मेरा, ओके अल्लाह हाफिज़।